वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। आज हम जानेंगे कि राज नेम के सेब को कैसे स्टार्स की मदद से प्रिंट किया जा सकता है। तो चलिए यहाँ पर ओपन करते हैं पाइचाम और समझते हैं एक डायग्राम को जो आपके लिए हमने यहाँ पर प्रिपेयर किया। देखिए हमने यहाँ पर कुछ कॉलम नंबर डिफाइन किए हैं, साथ ही कुछ रो नंबर डिफाइन किए। इन रोज और कॉलम की मदद से हम इन स्टार्स को प्रिंट करेंगे और जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर राज नेम का सेप देख रहे हो, सेम एज इट इज हम आउटपुट स्क्रीन पर भी देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर इसको जानने के लिए बनाते हैं पाइथन की एक नई फाइल और उस फाइल का नाम ही रख लेते हैं राज सेप, क्योंकि हम यहाँ पर राज नाम का शेप प्रिपेयर कर रहे हैं। और इस फाइल को थोड़ा जूम कर लेते हैं और एक काम करेंगे, ये जो डायग्राम आपके लिए हमने प्रिपेयर किया इसको डाउन साइड ओपन कर लेंगे, ताकि जब हम यहाँ पर कोडिंग करें तो आप एक एक लाइन कोड डायग्राम में इमेजिन करें कि हमने कौन सी लाइन क्यों लिखी है। अब जैसा कि अभी आप डायग्राम में देख रहे हो, हमें रोज और कॉलम को प्रिंट करना है। तो रोज और कॉलम को प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पर बेसिकली दो फॉर लूप का यूज करेंगे, जो एक रो के ऊपर वर्क करेगा और एक जो सेकंड होगा वो कॉलम के ऊपर वर्क करेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं फॉर रो इन रेंज फंक्शन। अब आप बोलोगे सर ये रेंज फंक्शन क्या करता है? देखिए बेसिकली रेंज फंक्शन का काम होता है आपके फॉर लूप को चलाने का। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 100 तो ये क्या करेगा, 100 टाइम तक आपके फॉर लूप को चलाएगा। लेकिन फिलहाल में हमें कहां तक चलाना है, तो हम पूछेंगे डायग्राम से। देखिए डायग्राम में रो की जो वैल्यू है ना वो है 0 to 6, तो टोटल कितने होते हैं 7। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 7 टाइम ही चलाऊंगा। सेम काम करेंगे हम कॉलम के लिए, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर कॉलम इन अगेन रेंज फंक्शन, कॉलम की जो वैल्यू है वो है 0 to 16, तो हम यहाँ पर चलाएंगे 17 टाइम। ये हमारा रो और कॉलम का काम हो चुका है। अब बात ये आती है कि कहां पर हमें इन स्टार्स को प्रिंट करना है और कहां पर नहीं करना है। तो ये जो कंडीशन वाले काम होते हैं ये हम करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में इफ एल्स कंडीशन की मदद से। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा इफ कंडीशन का, ठीक है, और इफ कंडीशन के बाद हम यूज करेंगे एल्स कंडीशन में। तो इफ कंडीशन के अंदर हम वो सारी कंडीशन लगाएंगे जहां पर हमें इन स्टार्स को प्रिंट करना है। तो अगर आप डायग्राम को देखोगे तो हमारे पास एग्जांपल के लिए राज नाम का एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग से हम एक एक कैरेक्टर को पिक करते हैं, देन उसकी कोडिंग करते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर जो हमारा है वो आर है। तो आर कैरेक्टर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉलम नंबर जो 0 है ना उसके सारे स्टार्स प्रिंट किए गए हैं। तो मैं अगर यहां पर लिख दूं कॉलम इक्वल टू 0, तो ये क्या करेगा, कॉलम 0 के सारे स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, हमारा काम हो चुका है। तो अगली कंडीशन लिखते हैं और ऑपरेटर के साथ। अब जो रो 0 है ना वो रो 0 और रो 3 के सारे स्टार्स प्रिंट किए गए हैं, लेकिन वहां पर कॉलम 0 के आगे के और कॉलम 4 के पीछे के। तो मैं यहां पर एक कंडीशन लगाता हूं जो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। मैं यहां पर लिखता हूं रो इक्वल टू 0 और हमारी रो इक्वल टू 3। लेकिन यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए हमारा कॉलम ग्रेटर देन 0 एंड हमारा कॉलम लेस देन 4। अब इससे आपको क्या समझ में आया, मैं इस कंडीशन को एक सेपरेट कंडीशन बनाता हूं और यहां पर पैरेंथेसिस लगाकर इसको पैक कर देता हूं पहले, देन आपको एक्सप्लेन करता हूं कि मैंने एक्चुअल में यहां पर क्या लिखा। देखिए मैंने यहां पर लिखा है कॉलम 0 और कॉलम 3। तो ये क्या करेगा, आपका पाइथन का इंटरप्रेटर कॉलम सॉरी रो नंबर 0 पर जाएगा और रो नंबर 3 पर जाएगा, तो सारे स्टार्स को प्रिंट कर देगा। लेकिन मैंने यहां पर उसके साथ एक कंडीशन को ऐड किया जिसमें लिखा है कि कॉलम ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और कॉलम लेस देन 4, मतलब कॉलम नंबर 1, 2, 3 के स्टार्स को प्रिंट करना। तो जो मैं माउस से मार्क कर रहा हूं 1, 2, 3 नंबर कॉलम के स्टार्स वही सिर्फ प्रिंट होंगे। तो आई होप कि आपको ये दोनों कंडीशन यहां पर समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं आगे और हमारे कुछ स्टार्स और बचे हैं उनको भी यहां पर प्रिंट करते हैं। तो वो जो स्टार बचे हैं ना वो है कॉलम नंबर 4 के। तो मैं यहां पर लिखता हूं कॉलम इक्वल टू 4, लेकिन उसके साथ कंडीशन है। देखिए रो 0 के स्टार प्रिंट नहीं है और रो नंबर 3 का स्टार भी प्रिंट नहीं किया गया, तो मैं यहां पर इसके साथ एड कर सकता हूं ना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर एंड ऑपरेटर के साथ एड करता हूं कि हमारी रो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड एक रो कौन सी बची है, रो नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए। ठीक है, रो नॉट इक्वल टू 3, तो ये क्या करेगा, कॉलम 4 के सारे स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे रो 0 और रो 3 को छोड़कर। ये हमारा आर कैरेक्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप कि आपको ये तीनों कंडीशन समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, क्योंकि मैंने यहां पर एक एक लाइन एक्सप्लेन कर दी है, तो बार बार एक्सप्लेन करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा देख सकते हो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले कैरेक्टर की ओर। अगला कैरेक्टर है हमारे पास ए। तो ए की कोडिंग स्टार करते हैं ना, तो मैं यहां पर कुछ लिखता हूं जो आपको समझना है। मैं यहां पर लिखता हूं रो नंबर 0, रो इक्वल टू 0 और लिखता हूं रो कौन सी हमारी, रो नंबर 3 है ना। ठीक है, रो इक्वल टू 3। ठीक है, लेकिन ये सारे स्टार्स को प्रिंट कर देगा, लेकिन हमें चाहिए कॉलम ग्रेटर देन 6 और लेस देन 10।
तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन इसके साथ ऐड करूंगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा कॉलम ग्रेटर देन हमारा 6 होना चाहिए और एंड होना चाहिए कॉलम लेस देन 10 होना चाहिए। ये क्या करेगा, कॉलम नंबर 7, 8, 9 ये तीन स्टार, देखिए मैं माउस से मार्क कर रहा हूं, 7, 8, 9, 10 ये तीन स्टार और ये तीन स्टार हमारे प्रिंट हो जाएंगे। अब बात आती है बाकी के स्टार्स की ओर, तो पहले ये हमारी एक सेपरेट कंडीशन कंप्लीट हो चुकी है, तो इसको पैरेंथेसिस में हम कर देंगे पैक, तो ये हमारी पैक हो चुकी है। अब बढ़ते हैं कि आगे के स्टार जो बचे हुए हैं इनको कैसे प्रिंट किया जाए, तो मैं यहां पर लिखता हूं और ऑपरेटर, देन अगले जो स्टार है ना वो है कॉलम नंबर 6 और कॉलम नंबर 10 के, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कॉलम इक्वल टू 6 और ऑपरेटर के साथ हम लिख सकते हैं कॉलम इक्वल टू 10, लेकिन ये सारे स्टार को प्रिंट कर देगा। लेकिन यहां पर क्या नहीं होना चाहिए, देखिए हमारी रो 0 नहीं है, तो हम यहां पर इसके साथ एक कंडीशन ऐड कर सकते हैं, मैं यहां पर लिखता हूं सॉरी एंड ऑपरेटर के साथ हमारी क्या नहीं होना चाहिए, तो हमारी रो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो रो नॉट इक्वल टू 0। अब ये हमारी अगेन सेपरेट कंडीशन है, तो मैं इसको पैरेंथेसिस में पैक करता हूं, देन आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि मैंने यहां पर क्या लिखा। देखिए मैंने यहां पर लिखा है कॉलम 6 और कॉलम 10, तो ये क्या करेगा, कॉलम नंबर 6 और कॉलम नंबर 10 के सारे स्टार्स को प्रिंट कर देगा। लेकिन मैंने इसके आगे यहां पर एक कंडीशन ऐड किया रो नॉट इक्वल टू 0, तो ये रो 0 को यहां पर छोड़ देगा, देन इसके नीचे के सारे स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको यहां पर ये दोनों कैरेक्टर की जो कोडिंग है वो समझ में आई होगी, हमारा आर का जो कोडिंग का पार्ट है वो और ए का कोडिंग का पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हम बढ़ते हैं अगले कैरेक्टर की ओर, हमारा अगला कैरेक्टर है जे, तो हम यहां पर जे की कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जे की जो कोडिंग है ना उसमें है रो 0 के सारे स्टार्स प्रिंट किए गए हैं, लेकिन जो कॉलम है ना वो ग्रेटर देन 11 है, तो मैं यहां पर वही चीज लिख देता हूं, मैं यहां पर लिखता हूं रो इक्वल टू 0 एंड हमारा कॉलम ग्रेटर देन 11, तो हमारे जो जे का शेप है ना ये वाला है, जैसे मैं माउस से मार्क करता हूं ये वाले हमारे स्टार्स प्रिंट हो चुके हैं। अब बाकी के स्टार्स की बात करते हैं ताकि हमारा जे का शेप भी कंप्लीट हो जाए। तो बाकी के शेप की अगर स्टार्स की बात की जाए तो कॉलम नंबर 14 को आप ध्यान से देखिए, उसके सारे स्टार्स को प्रिंट किया गया है, लेकिन रो 0 को तो हम ऑलरेडी प्रिंट कर चुके हैं ना, तो वो एक स्टार को छोड़कर हमें कॉलम नंबर 14 के सारे स्टार्स को प्रिंट करना है। तो मैं यहां पर लिखता हूं कॉलम इक्वल टू 14 एंड यहां पर एक चीज इसके साथ ऐड करता हूं, एक कंडीशन मतलब जिसमें मैं क्लियरली लिख देता हूं कि हमारी रो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये रो 0 को छोड़कर कॉलम नंबर 14 के सारे स्टार्स को प्रिंट कर देगा। तो आई होप कि आपको ये कंडीशन भी समझ में आई होगी। अब बात आती है कि हमारे पास ये देखिए 2-3 स्टार बचे हुए हैं, देखिए ये वाले 3 स्टार बचे हैं, तो पहले मैं इन 2 स्टार्स को प्रिंट करता हूं। देखिए मैं वहां से मार्क कर रहा हूं, इन 2 स्टार्स के लिए मैं यहां पर कोडिंग करूंगा, मैं यहां पर लिखता हूं रो नंबर 6 पर है ये, तो रो नंबर 6 एंड यहां पर कॉलम नंबर क्या है, तो मैं यहां पर इसके साथ कॉलम नंबर भी दे दूंगा ताकि हमारे स्टार्स एग्जैक्टली आए, तो मैं यहां पर लिखता हूं कॉलम ग्रेटर देन 11 और हमारा जो कॉलम है वो लेस देन 14 है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं। ये हमारे 2 स्टार्स के लिए हमारी जो कोडिंग थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है, हमारे ये 2 स्टार्स यहां पर आ जाएंगे नो डाउट, जो मैं माउस से मार्क कर रहा हूं। अब हमारे पास सिर्फ एक स्टार्स बचा है जे के शेप में, तो मैं यहां पर ये एक स्टार्स के लिए भी यहां पर कोडिंग लिखूंगा बिल्कुल और ऑपरेटर के साथ, और इसका जो लोकेशन है ना वो है कॉलम इक्वल टू 12 एंड इसके रो नंबर क्या है 5 है, तो मैंने इसकी डायरेक्टली जो लोकेशन थी वो यहां पर मार्क कर दी। अब इससे क्या होगा, ये डायरेक्टली हमारा स्टार्स प्रिंट हो जाएगा नो डाउट। अब यहां पर क्या करते हैं, ये हमारी एक पूरी राज नाम के शेप की, देखिए ये फर्स्ट वाली लाइन हमने आर के लिए लिखी थी, सेकंड वाली लाइन हमने ए के लिए लिखी थी और थर्ड वाली लाइन हमने जे के लिए लिखी थी, लेकिन हम तीनों को एक साथ प्रिंट करना चाहते हैं, तो इस तीनों को अगर आपको एक साथ प्रिंट करना है तो इन तीनों को एक साथ एक कॉम्बो में पैक करना होगा। कॉम्बो में पैक करने के लिए आपको यूज करना होगा पैरेंथेसिस का, तो मैं यहां पर इस पूरी कंडीशन को एक पैरेंथेसिस में पैक कर दूंगा। यह हमारी एक कंप्लीट कंडीशन हो चुकी है राज नेम के शेप की। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, स्टार्स को, तो मैं यहां पर लगा दूंगा स्टार। लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग में अगर आपने कभी भी पहले प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया होगा तो आपको पता होगा कि प्रिंट स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट लाइन के एंड में एक स्पेस को छोड़ देता है, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि वो स्पेस हमारे डायग्राम में या हमारे शेप में ना आए ताकि हमारा शेप बिगड़े ना, तो हम यहां पर उसको रिमूव करने के लिए यूज करेंगे एंड फंक्शन का। अब आप बोलोगे सर ये एंड फंक्शन क्या करता है, देखिए
बेसिकली एंड फंक्शन का काम होता है आपकी लाइन के एंड में कुछ भी मॉडिफाई करना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर एंड फंक्शन के अंदर लिख दू 1 2 3 तो आपकी हर लाइन के एंड में आएगा 1 2 3, लेकिन मैं फिलहाल में क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि स्पेस ना है, तो मैं यहां पर एंड फंक्शन में स्पेस नहीं दूंगा। अब देखिए हमारा इफ कंडीशन का काम पूरा हो चुका है, अब बात करते हैं एल्स कंडीशन की। तो मैं यहां पर लिखता हूं एल्स कंडीशन। एल्स कंडीशन में हम वो पार्ट करेंगे जहां पर स्टार प्रिंट नहीं होगा, वहां पर हम क्या चाहते हैं, देखिए मैं माउस से मार्क करता हूं, आप शेप में देखिए, यहां पर देखिए ये जो स्पेस है ना, ये स्पेस को हम यहां पर स्टोर करेंगे एल्स कंडीशन में या फिर डिफाइन करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एंड फंक्शन के अंदर आप जो भी लिख देते हो वो सेम एज इट इज आता है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा एंड फंक्शन में एक स्पेस दे दूंगा कि जहां पर स्टार प्रिंट ना हो वहां पर आप क्या करना है कि स्पेस को प्रिंट कर देना। तो ये हमारा कोडिंग का काम हो चुका है, मैं आपको रन करके दिखाता हूं, लेकिन ये जो आउटपुट आएगा ना वो एक लाइन में आएगा, क्यों वो मैं आउटपुट आने के बाद बताऊंगा। तो मैं इसको रन करता हूं, रन 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 टू द लूप, और देखिए ये आपका आउटपुट है। अब आप बोलोगे सर ये ऐसा क्या आउटपुट आया, परफेक्टली आपका आउटपुट नो डाउट सही है, आपका कोड भी सही है, लेकिन ये एक लाइन में क्यों आ रहा है ये मैं आपको समझाता हूं। जब भी आपका फॉर लूप रन हो रहा है इस डायग्राम को प्रिंट करने के लिए या फिर एक एक स्टार्स को प्रिंट पिक करके प्रिंट कर रहा है, तो उसको एक लाइन मिली जिस लाइन में उसने कुछ स्टार्स को प्रिंट किया, देन अगली बार जब वो रन हुआ, देखिए हमारे फॉर लूप की जो वैल्यू है ना वो 7 है, तो ये क्या करेगा 7 टाइम रन होगा, तो जब फर्स्ट टाइम रन हुआ तो उसको एक लाइन मिली, उसने वहां पर कुछ स्टार्स को प्रिंट किया, देन जब अगली बार रन हुआ तो उसको सेम लाइन मिली, नई लाइन नहीं मिली गाइस, सेम लाइन मिली। अब सेम लाइन मिलने की वजह से वो एक ही लाइन में प्रिंट करता जा रहा है, तो आपको यहां पर कुछ ऐसा लिखना होगा जिससे फॉर लूप एक बार रन होने के बाद अगली बार जब रन हो तो उसको नई लाइन मिले। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, सिंपल से एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज करूंगा जो कि आपके फॉर लूप को हर बार रन होने के बाद एक नई लाइन जनरेट करके देगा, जिससे आपका जो शेप है राज नाम का वो परफेक्टली आएगा। तो मैं आपको रन करके दिखाता हूं, रन 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 टू द लूप, और देखिए जैसा कि हमने स्क्रीन पर देखा था राज नेम का शेप परफेक्टली आ रहा है। अब इसको थोड़ा और साइज बढ़ाने के लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, एंड फंक्शन में एक एक स्पेस ऐड करता हूं, दोनों जगह स्पेस ऐड करता हूं, देन अगेन इसको रन करके दिखाता हूं, रन रन रन, और देखिए जैसा अभी हमने स्क्रीन पर राज नेम का शेप देखा था परफेक्टली गाइस सेम एज इट इज आ रहा है। मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूं क्योंकि हमने इतनी मेहनत करके राज नेम का शेप प्रिपेयर किया, तो आपको अच्छे से दिखाऊंगा कि कितना बढ़िया से हमने यहां पर एक शेप प्रिपेयर किया। यहां पर आप इस स्टार की जगह पर कैपिटल ए लगा दीजिए, तो यहां पर जो स्टार आ रहा था ना उसकी जगह पर ए आएगा। देखिए यहां पर आपका जो राज नेम का शेप है वो ए के मैटर में आएगा। आप यहां पर डॉट का यूज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको स्मॉल में राज नेम का शेप प्रिंट करना है या फिर डॉट में, तो आप यहां पर डॉट लगा सकते हो, देन अगेन रन करके देखिए आपका जो राज नेम का शेप है वो परफेक्ट आएगा डॉट शेप में। तो आई होप कि आपको राज नेम का शेप पसंद आया होगा। अगर आपको पाइथन और पैटर्न प्रोग्रामिंग से रिलेटेड किसी भी वीडियो में या किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आइए हमारे चैनल पर, यहां पर आपको पाइथन और पैटर्न प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हर प्रकार के वीडियो मिल जाएंगे जिससे आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो। फिलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।